नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फैशन प्लाजा एंड को स्पॉन्सर्ड एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए मॉब लिंचिंग की लानत अब मगरबी बंगाल भी पहुंच चुकी है। आज आसनसोल रेल पार्क का रहने वाला मोहम्मद रिजवान फेरी करता हुआ जब काला झरिया रोड पहुंचा तो कुछ नामालूम लोगों ने उससे जय श्री राम का नारा लगाने की जिद की। इनकार करने पर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जख्मी रिजवान ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस वाकये की खबर फैलते ही लोगों का हुजूम हीरापुर थाने के आसपास इकट्ठा होने लगा। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हम फेरी करते हैं, अगला बोले जय श्री राम। पहले नाम पूछा था, पहले नाम पूछा, फिर बोला नाम मोहम्मद रिजवान बोले तो बोलने के लिए इकरार बोले, फिर जय श्री राम बोले के लिए हमने बोले सर, फिर बोले जय श्री राम, फिर बोले जय श्री राम बोलने के लिए तो फिर भी नहीं बोले, फिर बोला हम मुस्लिम हम जय श्री राम नहीं बोल सकते, फिर अगला फिर तीसरा का रिक्वेस्ट किया, उसके बाद चार्ज कर दिया सर। ये घटना कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ? काला झरिया, काला झरिया के पास। सुहाग रात के दिन दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। झुलसी हुई हालात में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज सुबह वहीं उसकी मौत हो गई। मरने वाली प्रियंका सरदार बंशुपुर थाना इलाके की बाशिंदा थी। जुमे के रोज उसकी शादी हुई थी, इतवार को उसकी सुहाग रात होनी थी। इससे पहले ही वो शनिचर के रोज अपने वालिद के घर चली गई। उसने घर वालों को बताया कि वो अपना घर बसाना नहीं चाहती। আমরা শুক্রবার দিনকে বিয়ে দিলাম বোনটাকে, বোন বিয়ে দিলাম, শনিবার দিনকে বোন চলে গেল, শুক্রবার দিন বিয়ে দিলাম, বোন ঠিক আছে, হাসি খুশি সব ঠিক আছে। এবার হচ্ছে শুক্রবার শনিবার দিনকে বোন চলে গেল, শনিবার দিন তখন কাছে 11টা বাজে, আমি তো যার শিবিকের কাজ করি ডিউটিতে গেছিলাম, ওই 11টার সময় চলে গেছে। তাই এবার রবিবার দিনকে আমি সকালবেলা ডিউটি ছিলাম চলে গেছি, এবার দুটোর সময় ডিউটি থেকে এসেছি, এসে দেখি না বোন দেখি না বাড়িতে বসে আছে। তা আমি বললাম কী ব্যাপার, তুই চলে এলি কেন? তা বোন বললো যে আমার মানে ভালো লাগছে না, আমি চলে এসেছি। তা জামাই এসেছিলো, জামাই বাবার শরীর খারাপ, জামাইয়ের জন্য চলে গেছিলো ওষুধ ফুষুধ খাবে বলে। তা আমার বোনটাকে চলে এলি কেন? বলে আমার ভালো লাগছে না। তা বলি কেন কী হয়েছে? বলে না আমি ভালো লাগছে না, আমি যাবো না। তা দেখলাম বোন কিছু খাচ্ছে না, যাচ্ছে না, কিছু করছে না, ওরকম ঘুরছে। তা সন্ধ্যের দিকে বুঝলাম কিছু খাচ্ছে না, যখন শরীরটাকে আগে সুস্থ করি তারপরে পরে যাওয়াই হবে। তা বোনটাকে বললাম আচ্ছা তোদের চোখে যেতে হবে না, তুই যা কিছু খেয়ে নে বলতেও দেখি না বোন দুটো সব কিছু খেয়ে নিল। খেয়ে নিয়ে আমি মাথা হাত বুলি কাজ করে শুয়ে ঘুমিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে চলে এলাম, মায়ের কাছে ছিল, মা এবারে শুয়ে আছে। রাত্রেবেলা হঠাৎ ওই অবস্থা, গায়ে কেরোসিন দিয়ে হঠাৎ ওই অবস্থা। StyleHub लेडीज ड्रेस के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जेंट्स का एक ही ठिकाना है StyleHub। StyleHub जहां जेंट्स के लिए जीन्स, इम्पोर्टेड शर्ट, टी शर्ट, शूज, हुकअप और मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही आए। हमारा पता है StyleHub, बनपुर मिनी मार्केट, शॉप नंबर 94। Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. Ladies ke singar ke liye all Shri Hari products, all type of imitation jewelry. Purse, bangles, goggles, watches, perfumes, dios, gents jewelry. Saath mein 10% discount on all brands of cosmetic. To der kis baat ki, hamara pata hai Fashion Plaza, 3rd floor, Galaxy Mall, Asansol. Vivo
ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आएं एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर रन ले अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें। और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। सिटी स्टाइल, हर पल स्टाइलिश। सिटी स्टाइल ईद के मौके पर लेकर आया है बेशुमार ऑफर। अब 2000 तक की खरीदारी पर मिलेगा कंटेनर, 4000 की खरीदारी पर जिम बैग, 7500 की खरीदारी पर बैकपैक और 10000 की खरीदारी पर मिलेगा प्रेशर कुकर। इसके अलावा मर्दों, खातिन और बच्चों के ड्रेसेस पर बहुत सारे ऑफर। तो ईद की खरीदारी में ताखीर क्यों, आज ही आए। हमारा पता है सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। स्कूल से 1 किलोमीटर की मुसाफत के अंदर 3 शराब की दुकानें हैं। इलाके के लोगों ने इन शराब की दुकानों को बंद करने के मुतालबे पर सड़क जाम करके एहतजाज का मुजाहरा किया। पुलिस की मदाखलत से हालत को मामूल पर लाया जा सका। गोकुलतल्ला थाने के घोषालचक इलाके में हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल से 1 किलोमीटर के अंदर एक के बाद शराब की 3 दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज का मुजाहरा किया। पुलिस को देखकर दुकानों के मालिक फरार हो गए। पुलिस ने 3 दुकानों पर ताला लगा दिया है। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে একটা মদের দোকান এইখানেই খোলে, সেটা আন্দোলন করে এলাকার মানুষ অবরোধ করে, প্রশাসন এসে সেটা তালা মেরে বন্ধ করে দেয়।
তারপর আরো দোকানে লাইসেন্স করে করে একটা দোকান খোলে, সেটাও আন্দোলন করে বন্ধ হয়। রিসেন্ট আর একটা দোকান খোলে, দু মাস যাবৎ সে দোকানটি বারবার প্রশাসন এসে বন্ধ করে, কিন্তু প্রশাসন চলে গেলে আবার দোকানটি খোলে। এলাকার মানুষের কোনো তোয়াক্কা করে না এবং প্রশাসনকেও কোনো তোয়াক্কা করে না, তাই এলাকার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে আজকের এই অবরোধ করেছে। এবং এলাকার মানুষের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার এই দোকান তালা মেরে দিয়ে যায় এবং চিরতরে বন্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই অবরোধ চালাবো এবং প্রয়োজনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাবো। এবং এলাকায় এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় যেভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান চালু হচ্ছে, এলাকার মা বোনেদের এবং স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের যেমন ইজ্জত যাচ্ছে, ধর্ষণ গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এই মাদকাসক্ত হয়ে, তারা তো সমস্ত রকম পারিবারিক যে দায়িত্ব, বউ ছেলেপুলেদের যেমন খাওয়া পড়ার দায়িত্ব সেগুলো দিতে পারছে না, যতটুকু আয় ইনকাম করছে সেগুলো সবই মদের পিছনে ঠেলে দিচ্ছে, যার ফলে অশান্তি বাড়ছে, বাড়িতে মারামারি, পরিবারগুলো ভাঙছে, আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। এই কারণেই সমস্ত এলাকা থেকে যাতে এই মদ, জুয়া, সাট্টা এবং গাঁজা, গাঁজার ব্যবসাটাও রমরমিয়ে বাড়ছে, এটা যাতে বন্ধ হয় সেই কারণেই আজকে আমরা সমস্ত এই এলাকার ঘোষালের চকের নাগরিকবৃন্দ, মা বোন সহ সাধারণ মানুষ সবাই এই আজকে রাস্তায় নেমেছি। নাজরীন, আজ কি খবরে বস ইহি তক, কল ফির হোগি আপসে মুলাকাত, তব তক কে লিয়ে হামে দিজিয়ে ইজাজত, আল্লাহ হাফেজ।